तो आप देख सकते हैं हरप्रीत साई सरपंच बनने के बाद गांव में जोरदार तरीके से उनका स्वागत होता हुआ, हालांकि उनकी जो माता जी है वो सरपंच बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बेटे के कंधों पर आई है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा गांव इस समय उनको बधाइयां देता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं सरपंची चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। पुरानी नीलोखेड़ी से आप देख सकते हैं जो माता जी है विक्रमजीत कौर जी वो सरपंच बनी है और उनके बेटे ने जो है जिम्मेवारी ली है। हरप्रीत साई आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनका पूरा परिवार यहां पर मौजूद है और किस तरह से बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि महिला वार्ड आरक्षित था, और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय पुरानी नीलोखड़ी से जो सरपंच बनी है विक्रमजी जी वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे हम जानना चाहेंगे, आंटी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, इस बार सरकार ने देखा है कि महिला सीटें जो है ज्यादा आरक्षित हुई हैं और आपको ये जिम्मेवारी, आपके परिवार को जिम्मेवारी मिली है, किस तरह से आप और आपका बेटा मिलकर ये जिस जिम्मेवारी को निभाएगा, गाँव के लिए किस तरह से काम करेंगे आप जी? काम के लिए जो भी जरूरी होगा सब ठीक तरह से करेंगे जी, अच्छे से अच्छा काम करेंगे। कल को सारा गाँव भी याद करेगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिस चीज़ की भी कमी होंगी वो कमी हम पूरी करेंगे। गांव में सफाई अभियान चलाएंगे, सारे गांव में सफाई का करेंगे, और भी जो होगा नालियां वगैरह सब कुछ बनवाएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं महिला सरपंच चुने गए हैं, वाकई काफी खुशी की खबर है। आने वाली गांव की सरकार जो है तकरीबन अगर बात की जाए पूरे हरियाणा की करनाल की तो 40-50% जो है महिला सरपंच जो है देखरेख करेंगी। इस समय जो उनके बेटे हैं हरप्रीत जी, हरप्रीत साई जी, वो हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरपंच बने हैं, किस तरह से खुशी हो रही है? आपकी माता जी सरपंच बने हैं, जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बेटा ही निभाता है, किस तरह से गांव के विकास कार्य हैं, जो टूटी हुई सड़कें हैं उनका किस तरह से आप ध्यान रखेंगे और किस तरह से उस सड़कों को बनाया जाएगा? धन्यवाद सर। गांव का जो विकास है वो कार्य काफ़ी समय से बंद था, गाँव में किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं थी, तो जो हमारी कोशिश रहेगी आने वाले समय में गाँव का अच्छे से सौंदर्यकरण किया जाए, गलियों का, नालियों का, पॉन्ड्स तालाब वगैरह हैं इनका साफ़ सफाई देख रहे। गांव में कुछ ऐसी स्थिति है जैसे कि आने जाने का रास्ता प्रॉपर नहीं है, फिरनी है, जो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए और जो भी ज़रूरतमंद आने वाली फ्यूचर बच्चों की लिए वो देखते हुए कोई धर्मशाला है, कोई ग्राउंड है, ऐसी स्थितियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा वादा करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे हरप्रीत साई जो आप देख सकते हैं उनके माताजी सरपंच बनी हैं, और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका में रहने वाले इनके भाई हैं हरमन साई, जिनके पिता का नाम जितेंद्र साई है, उन्होंने अपनी काफी ब्लेसिंग्स इस परिवार के साथ रहे, वो भी लगातार वहां से कोशिशें करते रहे ताकि उनके भाई जो है विजयी हो। और किस तरह से सरपंच की जो जिम्मेवारी होती है काफी अहम जिम्मेवारी होती है, जिसको लेकर इस समय आप देख सकते हैं जो हरप्रीत साई है उनका पूरा परिवार है, एक समाज सेवी परिवार है, किसान परिवार है, और उनके चाचा जी मंजीत सिंह साई वो भी जो है उनकी अहम भूमिका रही है। और इस समय तो तमाम परिवार के लोग हैं वो इस समय यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं कि किस तरह से जिम्मेवारी मिली है पुरानी नीलोखेड़ी से सरपंच जो बनी है विक्रमजीत कौर, उनके बेटे हरप्रीत साई को किस तरह से आप देख सकते हैं उनके चाचा जी को फूलमालाएं डालकर किस तरह से गर्म जोशी से उनका स्वागत किया जा रहा है। और इस समय हरमन साई जो अमेरिका में रहते हैं उनके पिता जितेंद्र साई जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपका पूरा परिवार गाँव के लिए पहले भी बहुत कुछ करता रहा है, आज आपको एक अहम जिम्मेवारी मिली है, उसके बाद किस तरह से आपकी भूमिका रहेगी पूरे गांव के लिए, किस तरह से काम करेंगे सभी मिलकर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सबका धन्यवाद है यहाँ आने के लिए। काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे, कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो हम नहीं करेंगे। हम अपने जो ग्रांट आएगी जो पैसा है हम अपने घर से भी लगा के वो काम करेंगे। उसका कॉलोनी में पानी की कमी है वो एक दो दिन में हम वहाँ पानी का इंतजाम करेंगे, दो चार जो हैं वहाँ पानी की दिक्कत ट्यूबवेल हैं वो हम दो चार दिन में वहाँ शुरू करवा देंगे। उसके बाद नाली हैं, सड़कें हैं, जैसे जैसे भी आता जाएगा हम पहले कॉलोनी का करेंगे, उसके बाद गांव में आके सारा काम हम सारा कुछ जो कुछ भी है अपना करेंगे। जो पैसा आएगा वो सभी का सभी लगेगा, ये नहीं है इसकी जेब में चला गया या उसकी जेब में चला जाए, किसी की जेब में कोई पैसा नहीं जाएगा, जो पैसा आएगा सभी लगेगा।
अपने घर से लगा के हम अपना काम जो अधूरा रहेगा उसको पूरा करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ईमानदारी से काम करने की बात यहाँ पर कही गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक जिम्मेवारी अहम मिली है, किस तरह से काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जैसे युवा हमारे दादाजी पहले सरपंच रहे हैं इस गांव के, उन्होंने बहुत सारा ज़्यादा काम किया है, तब हम बहुत छोटे होते थे। तो अब मैंने देखा, अब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले, तो अब जब दौरे पे जाते थे तो हमें पता लगता था कौन हमारे साथ है, कौन कैसा है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आने वाले फ्यूचर में, और हम यही शुभकामनाएं अपने गांववासियों से देते हैं और धन्यवाद करते हैं गांववासियों का जिन्होंने हमें सरपंच के पद पे चुना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सरपंची चुनाव बेशक खत्म हो गया लेकिन सेलिब्रेशन का दौर लगातार जारी है। तो ये लाइव तस्वीरें समय पुरानी नीलोखेड़ी से आप देख रहे थे। तो हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो पुरानी नीलोखेड़ी से सरपंच बने हैं हरप्रीत जी, इस समय उनके चाचा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपका परिवार सरपंच बना है, किस तरह से आप देखते हैं आपकी जो परिवार की महिला है वो सरपंच बनी है, उनके बेटे हैं, आप सभी लोग हैं, किस तरह से गांव की जिम्मेवारी को निभाएंगे, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे बेटे को सरपंच बनाया है, और हम आगे अपने काम जो भी हैं जिम्मेवारी से निभाएंगे। जो भी काम है गाँव का, जैसे कलोनी है महात्मा गांधी कलोनी है, तो उसमें बहुत बुरा हाल है, नालियों का, गलियों का, वहाँ कोई निकासी नहीं, कोई तालाब नहीं, पानी नहीं है वहाँ। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे वो काम पूरे करें, उसके बाद अपने गांव के अंदर है जो भी निकासी नहीं है, तालाब की बुरा हाल है, और यहाँ हॉस्पिटल नहीं है डंगरों का, कोई भी अच्छे शिक्षा वाला नहीं केंद्र है यहाँ पे, अपना स्कूल को अपग्रेड कराने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात कही, और आप देख सकते हैं पूरा गांव इस समय यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे सोनू जांगड़ा जी और जांगड़ा परिवार का भी काफी सहयोग जो है इस परिवार को ला रहा, और आज आप तस्वीरें देख सकते हैं पूरा गांव इस समय यहाँ पर पहुंचा है, उनके सेलिब्रेशन में यहाँ पर पहुंचा है। तो वाकई काफी खुशी की खबर जरूर है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे मल्होत्रा जी, गाँव से आपको जिम्मेवारी मिली है, सरपंची साई परिवार जीता है, किस तरह से कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके माध्यम से हम अपने गाँव वासियों को और शहर वासियों को जागरूक करेंगे। जो हमारे शहर गांव की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, देश के नौजवान साथी हैं, आने वाले भविष्य हैं, जो उनके लिए उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जिन्होंने शाही परिवार को सरपंच पद के लिए चुना। और इसके लिए हम उन सबको ये भी आश्वासन देंगे कि जो भी कार्य है, जो भी कार्य वो इनके जिम्मे लगाएंगे, शाही साहब उसको पूरा करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके करना पड़े, लेकिन वो काम हम पूरा करके दिखाएंगे जी।